हेलो एवरीवन, यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल 10th और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए जो यहां पर वैकेंसी आई है। सैलरी यहां पर 22,516 पर मंथ आप लोगों को दी जाएगी। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की रहेगी 23 नवम्बर। सभी राज्य के कैंडिडेट जो है यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। बाकी चीजें जो है वो हम डिटेल में देखेंगे, नोटिफिकेशन में सारी चीजें जानेंगे। तो ये जो है विज्ञापन है जो कि मेन वेबसाइट पर जारी किया गया है। वेबसाइट का लिंक भी जो है यहाँ पर दिया गया है, www.becil.com। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से वैकेंसी है। ये एक मिनी रत्न कंपनी है और वैकेंसी नंबर भी याद रखें क्योंकि विज्ञापन जो है वो आगे भी जो है वो नए विज्ञापन आते जाते हैं तो वैकेंसी जो है आप लोगों को पता नहीं लग पाती है जब आप मेन वेबसाइट पर सर्च करते हैं। तो वैकेंसी नंबर याद रखना है 398। यहाँ पर जो इसका हेड ऑफिस रहेगा न्यू दिल्ली में है और कॉर्पोरेट जो ऑफिस है ये है नोएडा में, यानी कि दिल्ली और एनसीआर में आप लोगों की जो है जॉब लोकेशन रहेगी। अभी जो है वैकेंसी यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए है, हायर क्वालिफिकेशन के लिए भी है वैकेंसी, बट मैंने आपको बताया इस वीडियो में हम केवल 10th और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे वैकेंसी। फ्रेशर जो है वो बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, जैसे एमटीएस की वैकेंसी जिसमें 18 पदों पर वैकेंसी आई है, तो पद जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं है एमटीएस के लिए। तो बिल्कुल आप लोग अगर एलिजिबल है, आपने 10th पास कर लिया है, जॉब करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ अप्लाई कर दें क्योंकि एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर कंपलसरी नहीं किया गया है। उसके बाद जो 28 जो यहाँ पर वैकेंसी है डीईओ की आई हुई है जहाँ केवल 12th पास स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, कम से कम जो है 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन आपने हासिल की है तो वो भी आप लगा सकते हैं, बट यहाँ मिनिमम 12th पास तो होना ही चाहिए। साथ में जो है आप लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। टाइपिंग स्पीड जो है वो मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा जो है होनी चाहिए। इंग्लिश में जो है आपको यहाँ पर टाइपिंग कंप्यूटर पर करना आना चाहिए। तो यहाँ 22,516 जो है वो पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। एक और जो वैकेंसी थी जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की है, एक ही वैकेंसी है, यहाँ इंटर साइंस के साथ किया है बट यहाँ पर डिग्री मांगी गई है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर एमटीएस डीईओ की आपको बता दी, 18 और 28 जो है यहाँ पर पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, तो अगर आप यहाँ फॉर्म डालना चाहते हैं तो बिल्कुल डालिएगा। नेक्स्ट जो है वो इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए ड्राइवर की जो है वो 4 यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। केवल 10th पास मांगा गया है और आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल, उसके बाद नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, वर्किंग एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर 3 साल का मांगा गया है। 22,516 यहाँ पर सैलरी मिलेगी। इसके अलावा भी कई वैकेंसी हैं यदि आप देखना चाहें, जैसे कि कई स्टूडेंट होते हैं जो कि लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 12th पास साइंस के साथ होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस लैब में जो है काम करने का आपके पास हो, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए और भी वैकेंसी है जैसे पीसीसी की है और एमएलटी की है, 8 वैकेंसी है यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो वैकेंसी एमटीएस की है, मल्टीटास्क स्टाफ की और डीईओ की, तो कोई भी कैंडिडेट जिसके पास बिल्कुल भी जो है वो एक्सपीरियंस निल है, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18,486 उसको पर मंथ सैलरी मिलेगी। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली फॉर द अबव पोस्ट, ठीक है, तो ऑनलाइन ही जो है आप लोगों को यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट कराना होगा। तो दिल्ली एनसीआर में जो है ये जॉब लोकेशन रहेगी। कैंडिडेट विल इन्फॉर्म, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का एक स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद जो है इंटरव्यू रहेगा, तो आप लोगों को इसका जो है इन्फॉर्मेशन ईमेल या टेलीफोन के माध्यम से मिलेगा, ठीक है, तो जो कि आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद है कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म। आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसका जो है एक प्रिंट अपने पास जो है निकाल कर रख लेंगे, ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर में जो है आप लोगों का काम आएगा। लास्ट डेट मैंने आपको बताई 23 नवम्बर इसकी लास्ट डेट रहेगी। और जो है यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे, तो बिल्कुल स्टेप जो है यहाँ पर दिए गए हैं, ये इसकी मेन वेबसाइट है, इस पर जाकर जो है आप लोगों को ऑनलाइन ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, 7 स्टेप दिए हुए हैं,
तो बिल्कुल यहाँ पर क्रम से जो है आप चीजें देखें और फिल करें अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं। कैटेगरी वाइज जो है रजिस्ट्रेशन फीस जो है एप्लीकेशन फीस यहाँ पर क्या रखी गई है, तो यहाँ पर अगर आप एक पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल की फीस जो है वो 885 रखी गई है। यहाँ लिखा है 590 जो है एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट अप्लाई, ठीक है। तो एक पोस्ट के लिए अगर आप करते हैं तो 885 जनरल कैटेगरी की है, ओबीसी की भी जो है इतनी है, SC ST की 531 है, एक्स सर्विस मैन की जो है 885 है, वोमेन की भी जो है वो 885 है, EWS की या फिजिकल हैंडीकैप तो यहाँ पर जो है इनकी 531 यहाँ पर रहेगी एप्लीकेशन फीस, ठीक है। तो बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप जो है जॉब सर्च कर रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं जॉब करने में, और इसके अलावा जो है आपकी क्वालिफिकेशन है जो भी यहाँ पर दी गई है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, जॉब पा सकते हैं। ऐसे ही वैकेंसी अगर निकलती है किसी भी राज्य से तो बिल्कुल आप लोगों को चैनल के माध्यम से मिलेगी। यहाँ पर नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें दी होती हैं वही मैं आप लोगों के आगे रखती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।